हेलो दोस्तों, मैं जेपी भाकर। आज हम यहाँ पे 26 अगस्त के करंट अफेयर ये करने वाले हैं। और दोस्तों, सबसे पहले आप सभी को धन्यवाद कि आपने हमारे पिछले वीडियो को लाइक किया, कमेंट किए सबके लिए। और दोस्तों, ये आज हम 26 अगस्त के करंट अफेयर शुरू करने से पहले, यदि आपके द्वारा हमें अभी तक अनअकैडमी ऐप पे फॉलो नहीं कर रखा है तो सबसे पहले आप हमें अनअकैडमी ऐप पे फॉलो कर ले, क्योंकि देखिए वहाँ पर भी मेरे द्वारा बहुत ही अच्छे अच्छे रीजनिंग, मैथमेटिक्स से और जीके जीएस के वीडियो डाले जा रहे हैं। तो वहाँ पर भी आप जाके मुझे फॉलो कर सकते हैं। वहाँ आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर तीन लिंक दिखाई देंगे। पहला लिंक आपको अनअकैडमी होगा, दूसरा आपको यहाँ पे मिलेगा टेलीग्राम, और तीसरा होगा हमारी वेबसाइट का। तो टेलीग्राम और वेबसाइट के लिंक्स से आप इससे आज के करंट अफेयर की पीडीएफ फाइल है वो डाउनलोड कर सकते हैं, तो वो भी आप डाउनलोड कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं करंट अफेयर। तो सबसे पहला हमारे यहाँ पे है रक्षा मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमन की अध्यक्षता में रक्षा अधिग्रहण परिषद ने लगभग कितने करोड़ रुपए की सेवाओं के लिए मंजूरी दे दी है। तो देखिए दोस्तों, हमारी यहाँ पे रक्षा मंत्री है निर्मला सीतारमण, इनके द्वारा हाल ही में जो अध्यक्षता है, इनके अध्यक्षता के अंदर तो ध्यान रखना है पहली महिला रक्षा मंत्री है हमारी पूर्वकालिक समय के लिए, तो वो है निर्मला सीतारमण। तो ये भी ध्यान रखना है, इनकी अध्यक्षता के अंदर जो रक्षा अधिग्रहण परिषद है, इन्होंने लगभग है 4600 करोड़ रुपये है इसकी, 46,000 करोड़ रुपये हैं इसकी क्या कर दी है, मंजूरी दे दी है। तो सही ऑप्शन आपका यहाँ पे दोस्तों हो जाता है आपका पहला वाला ऑप्शन। तो पहला ऑप्शन हमारे यहाँ से सही हो जाएगा। इसके अलावा देखिए, इनके द्वारा है यहाँ पे रक्षा अधिग्रहण के लिए दिया है 4600 करोड़ रुपये की, इसके अलावा 21,000 करोड़ रुपये की 111 उपयोगिता हेलीकॉप्टर है वो खरीदने के लिए भी इनके द्वारा पैसे हैं वो दिए गए हैं। तो ये ध्यान रखना आपको, रुपए इनके द्वारा एक तो दिए गए हैं 4600 करोड़ रुपए जो रक्षा अधिग्रहण के लिए दिए गए हैं, जबकि दूसरे दिए गए हैं यहाँ पे 2100 करोड़ रुपए, यानी 21,000 करोड़ रुपए हैं वो दिए गए हैं 111 उपयोगिता हेलीकॉप्टर खरीदने के लिए। इसके अलावा देखिए दोस्तों, यहाँ पे जब बात हो रही रक्षा मंत्रालय की या इनकी बात हो रही है, तो देखिए हम रक्षा मंत्रालय के हमारे तीन थल सेनाध्यक्ष है, वायुसेनाध्यक्ष है और नौसेना अध्यक्ष है, इनके बारे में हमें जरूर जान लेना चाहिए। देखिए सबसे पहले बात करते हैं हम थल सेना अध्यक्ष की। तो वर्तमान में आपको बताया हमारे थल सेना अध्यक्ष है वो है जनरल विपिन रावत। इसके अलावा देखिए नौसेना प्रमुख है वो है एडमिरल सुनील लांबा, और वायुसेना प्रमुख है वो है एयर चीफ मार्शल DS धनोआ। तो दोस्तों ये तो है तीनों हमारे यहाँ पे प्रमुख सेना के प्रमुख, ध्यान रखना है आपको, जनरल विपिन रावत थल सेना के, नौसेना के हैं एडमिरल सुनील लांबा, और वायुसेना के हैं एयर चीफ मार्शल DS धनोआ। तो इनको आपको तीनों का नाम है वो आपको ध्यान होना चाहिए। इसके अलावा देखिए दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन है पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने सांसदों और विधायकों को रेट करने के लिए ऐप की शुरुआत की है। देखिए पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी है, उनके द्वारा सांसद और विधायक है उनको रेट करने के लिए उनका रिपोर्ट कार्ड है वो शुरू किया है, नेता लीडर रिपोर्ट्स कार्ड है ये शुरू किया है। तो ध्यान रखना आपको, नेता लीडर रिपोर्ट कार्ड है वो शुरू किया गया है उनको, सांसद और विधायकों को रेट करने के लिए ऐप। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन हम यहाँ पे करते हैं जो इस प्रकार से है। देखिए व्यापम SEO शांति मिशन 2018 कहाँ पर शुरू हुआ। देखिए व्यापम SEO शांति मिशन है 2018, इसका आयोजन है वो किया जा रहा है रूस के अंदर जो चेकुरबुल है वहाँ पे, चेबरकुल है वहाँ पे रूस के, वहाँ पे इसका है वो किया जा रहा है। और ये क्या है, एक शांति मिशन है जिसके अंदर देखिए भारत और पाकिस्तान है वो आज़ादी के बाद में पहली बार इसके अंदर हिस्सा लेंगे, यानी एक साथ युद्धाभ्यास करेंगे भारत और पाकिस्तान भी। अब थोड़ा सा जान लेते हैं कि व्यापम SEO शांति मिशन 2018 है ये है क्या। देखिए संघाई सहयोग संगठन है जिसके अंदर 8 सदस्य देश है, जिसमें ध्यान रखना है आपको भारत और पाकिस्तान भी उसके सदस्य हैं। और देखिए संघाई सहयोग संगठन है, इसकी स्थापना हुई थी 15 जून 2001 को 6 देशों के साथ, जिसके अंदर बाद में क्या है कि भारत और पाकिस्तान है वो भी इसके अंदर शामिल हो गए थे। अब थोड़ा सा आपको बता देते हैं संघाई सहयोग संगठन के बारे में। तो देखिए संघाई सहयोग संगठन है, इसका मुख्यालय है बीजिंग चीन के अंदर, स्थापना हुई थी 15 जून 2001 को, इसके अंदर 8 सदस्य देश हैं, उनके नाम बोल रहा हूँ आप अच्छे से ध्यान रख लीजिएगा, नोटबुक के अंदर नोट कर लीजिएगा, चीन, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रूस, तर्काजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, और अंत में जो जुड़े हैं वो है, ये तो 6 तो थे फाउंडेशन देश इसके, इसके अलावा देखिए भारत और पाकिस्तान है वो भी इसके अंदर शामिल हो गए हैं। तो ये थोड़ा सा आपको इनके बारे में ध्यान होना चाहिए। इसके अलावा देखिए जापान की राजधानी की बात करें तो वो है टोक्यो, USA, तो आपको पता अमेरिका की राजधानी Washington DC है। इसके अलावा देखिए रूस है, उसकी आपको पता है मॉस्को, और इंडोनेशिया आपको पता है हाल ही के अंदर इसकी राजधानी जकार्ता है, और आपको पता है जकार्ता के अंदर हाल ही के अंदर क्या चल रहे हैं, हमारे एशियन गेम्स है वो चल रहे हैं। तो ये थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए कि हमारे एशियन गेम्स है वो कहाँ पर चल रहे हैं, जकार्ता के अंदर है वो चल रहे हैं। तो थोड़ा सा इतना आपको जानकारी ज़रूर होनी चाहिए। चलिए दोस्तों, हम यहाँ पे अगला क्वेश्चन है हम करने वाले हैं, तो इसका सही आंसर दोस्तों हो जाता है रूस की चर्बिकिस्तान है वहाँ पर चल रही है यहाँ पे। ये अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसको ग्लोबल कल्चरल
ऑर्गेनाइजेशन 2018 का गेम चेंजर ऑफ द अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। तो देखिए यहाँ पे इनमें से किनको है, वो ग्लोबल कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन 2018 का गेम चेंजर ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित है वो किया जाएगा, चंदा कोचर, इंदिरा नुई, सुजाना अरुंधति रॉय, शिखा शर्मा। तो दोस्तों सही आंसर आपका यहाँ से हो जाता है। देखिए चंदा कोचर, इनके बारे में आगे हम अध्ययन करेंगे। देखिए इंदिरा नुई है वो पेप्सिको की सीईओ है, ये आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए कि पेप्सिको की सीईओ है वो कौन है, इंदिरा नुई है, ये भी आपको थोड़ा ध्यान रखना है। इसके अलावा देखिए सुजाना अरुंधति राय है, ये क्या है, तो देखिए सुरा ये एक लेखक है, और देखिए इनके द्वारा द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स है, इनके द्वारा उपन्यास है वो लिखा गया है, तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि सुजाना अरुंधति है उनके द्वारा कौन सा उपन्यास लिखा गया है, तो देखिए द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स है वो इनके द्वारा लिखा गया है, और इनका जन्म स्थान है वो है शिलोंग के अंदर, ये भी थोड़ा सा ध्यान रखना है। इसके अलावा देखिए शिखा शर्मा है, ये एक्सिस बैंक है उसकी क्या है, एमडी और सीईओ है, ये भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि शिखा शर्मा किसकी एमडी और सीईओ है, एक्सिस बैंक की सीईओ और एमडी है। तो चलो दोस्तों यहाँ पे सही आंसर हम देख लेते हैं, यहाँ पे सही आंसर आपका हो जाता है इंदिरा नुई, जिसको आप इस चित्र के माध्यम से भी देख पा रहे होंगे। चंद्रा कोचर के बारे में हम आगे इसलिए क्वेश्चन करेंगे क्योंकि चंद्रा कोचर से संबंधित एक क्वेश्चन और आने वाला है। बिम्सटेक सम्मेलन है जो 28 और 29 अगस्त को कहाँ पर संपन्न होगा। देखिए बिम्सटेक सम्मेलन है, उच्च अधिकारियों की बैठक है वो होने वाली है यहाँ पे 28 और 29 अगस्त को, ये कहाँ पे होगा। देखिए दोस्तों बिम्सटेक के बारे में हमने कल अध्ययन किया था और उसके बारे में आज है ये करंट अफेयर का क्वेश्चन बन गया। तो दोस्तों मैं ये आपको कहता हूँ, जो भी मेरे द्वारा बताया जाता है एडिशनल इन्फॉर्मेशन उसको आप जरूर लिख लिया करें, क्योंकि कल के क्वेश्चन से ही आज का क्वेश्चन निकल के आएगा। तो देखिए सबसे पहले बिम्सटेक है क्या, ये आपको पता होना चाहिए। तो देखिए बिम्सटेक है वो क्या है, बंगाल की खाड़ी के जो इर्द गिर्द देश है उनका एक आर्थिक समूह है, ये भी आपको ध्यान रखना है। और उसमें बंगाल की खाड़ी के इर्द गिर्द कौन कौन से देश हैं वो आपको थोड़ा पता होना चाहिए। देखिए बांग्लादेश है, भूटान है, इंडिया है, नेपाल है, थाईलैंड है, श्रीलंका है और म्यांमार है। इसका फुल फॉर्म है ये भी देख सकते हैं, बायो ऑफ बंगाल इंस्टीट्यूट फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक्स कॉरपोरेशन, यानी आर्थिक सहयोग संगठन है, ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। और ये इसके अंदर कितने हैं यहाँ पे, 7 ये सदस्य देश है, ये भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। काठमांडू को इसके अंदर का है वो संपन्न होगा, तो ध्यान रखना बिम्सटेक सम्मेलन है वो 28 और 29 अगस्त को कहाँ पे संपन्न होगा, काठमांडू के अंदर संपन्न होगा। और उस समय हो सकता है आपको 28 और 29 अगस्त को भी इसके ऊपर कोई क्वेश्चन करंट अफेयर का बन जाए, तो ध्यान रखना आपको। और ये काठमांडू है वो किसकी राजधानी है, नेपाल की राजधानी है, ढाका है वो बांग्लादेश की राजधानी है, कोलंबो आपको पता है श्रीलंका की राजधानी है, और बैंकॉक है वो आपको किसकी राजधानी है, यहाँ पे थाईलैंड की राजधानी है। तो ये इतना आपको जरूर ध्यान होना चाहिए। चलिए दोस्तों अगला यहाँ पे क्वेश्चन करते हैं हम, वीडियो कॉन लोन मामले में किसके खिलाफ जांच चल रही है। देखिए वीडियो कॉन लोन मामला है उसमें किसके खिलाफ है वो जांच चल रही है, जिसके लिए बनाई गई श्रीकर्षण समिति की रिपोर्ट 2.5 महीने में आएगी। और देखिए इसके लिए क्या है कि श्रीकर्षण समिति है वो बनाई गई है, इसकी रिपोर्ट है वो कितने महीने बाद में आएगी, 2.5 महीने बाद में आएगी। तो दोस्तों सही आंसर हमारे यहाँ से हो जाता है चंद्रा कोचर, क्योंकि देखिए बाकी जो तीन ऑप्शन थे उनके बारे में तो हम चर्चा कर चुके थे, हम बात करते हैं यहाँ पे चंद्रा कोचर की। तो देखिए चंद्रा कोचर है वो ICICI की CEO है, और इनके ऊपर है क्या कि वीडियो कॉन लोन के मामले में इनके खिलाफ जांच चल रही है, और हाल ही में जो इनके चेयरपर्सन है जो यहाँ पे ICICI के, उनके द्वारा कहा गया है कि चंद्रा कोचर है तब तक CEO बनी रहेगी जब तक इसका ये रिपोर्ट है श्रीकर्षण समिति की रिपोर्ट है वो नहीं आ जाती, तब तक के लिए CEO बनी रहेगी, ये भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। अब देखिए ये सारा मामला है यहाँ पे वीडियो कॉन लोन मामले से संबंधित है, तो ये ध्यान रखना है, ये चर्चा में बनी हुई है चंद्रा कोचर, तो इनके बारे में क्वेश्चन जरूर पूछा जा सकता है। चलिए दोस्तों यहाँ पे बात अगला क्वेश्चन करते हैं हमारे राजस्थान से। तो देखिए हाल ही में मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने अटल शक्ति स्थल बनाने की घोषणा कहाँ पर की है। देखिए हाल ही के अंदर मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे हैं उनके द्वारा अटल शक्ति स्थल बनाने की घोषणा कहाँ पे की गई है, नसीराबाद, पोखरण, आमेर या फालना। तो दोस्तों जैसा आप चित्र के अंदर देख पा रहे होंगे कि यहाँ से आप समझ गए होंगे कि ये परमाणु परीक्षण से संबंधित स्थल का नाम बता रहे हैं हम आपको। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे ये पोखरण सही आंसर हो जाएगा, और देखिए दोस्तों पोखरण के ऊपर अभी हाल ही के अंदर एक मूवी भी बनी है, तो ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि किस स्थल के ऊपर है वो मूवी बनी हुई है। तो ध्यान रखना आपको पोखरण है वो परमाणु स्थल है, उसके ऊपर मूवी बनी हुई है। अब देखिए दोस्तों भारत का जो पहला परमाणु परीक्षण है वो किया गया था यहीं पे पोखरण के अंदर, राजस्थान के अंदर स्थित है, यहाँ पे किया गया था, ठीक है। भारत का दूसरा परमाणु परीक्षण है वो भी पोखरण के अंदर ही किया गया था, तो ये आपको ध्यान रखना है। और जो मूवी बनी है वो दूसरे जो परमाणु परीक्षण है उसके बेस पर बनी है, तो थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है परमाणु परीक्षण के बारे में, जो मूवी बनी है ठीक है उसमें क्या था, सेकंड जो परमाणु परीक्षण करना था 1998 के अंदर भारत ने किया था, उस समय क्या था कि भारत के ऊपर बहुत दबाव था, अमेरिका का दबाव था, वो निगरानी रख रहा था, बावजूद उसके उनके सैटेलाइट को निगरानी सैटेलाइट को मतलब
धोखा देते हुए ये परमाणु परीक्षण किया गया था, तो इसलिए ये इंपोर्टेंट बन जाता है। और दोस्तों हाल ही में यहाँ पे क्या है कि देखिए अटल शक्ति स्थल है वो बनाने की घोषणा की है। और देखिए देखिए प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी है, उनके ऊपर जो नाम रखे जा रहे हैं वो थोड़ा सा मैं आपको बता दूंगा हाल ही के अंदर कौन कौन से नाम रखे गए हैं। हालांकि हमने कल के लेसन में भी बात की थी, पर आज के लेसन में भी हम इसके बारे में बात कर लेते हैं। देखिए एक तो छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर है, उनका नाम है वो अटल नगर किया जा रहा है। इसके अलावा देखिए उत्तर प्रदेश के अंदर बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे, उसका नाम भी क्या रखा जा रहा है, अटल पथ के नाम से रखा जा रहा है। इसी प्रकार से देखिए राजस्थान के जो पाठ्यक्रम है उसके अंदर भी अटल बिहारी वाजपेयी है, उनके जो कार्यकाल था उनकी उपलब्धियाँ वो भी शामिल की जाएगी। इसके अलावा देखिए जो अटल शक्ति स्थल है वो भी पोखरण के अंदर बनाया जाना प्रस्तावित है। तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, ये सारी घोषणाएं की गई है और अटल बिहारी वाजपेयी से संबंधित क्वेश्चन आ सकता है। और कल हमने आपसे पूछा था कि अटल बिहारी वाजपेयी है उनको भारत रत्न है वो कब दिया गया था, तो देखिए अटल बिहारी वाजपेयी है उनको भारत रत्न दिया गया था 2015 के अंदर। ओके गाइज, तो इसका आंसर भी आपने बहुत जिन्होंने बताया था कमेंट आए थे आप सभी के लिए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज जो हम क्वेश्चन करते हैं वो है राज्य की मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे द्वारा प्रदेश में इमरजेंसी लाइफ सपोर्ट स्किल सेंटर कहाँ खोलने की घोषणा की गई है। देखिए लाइफ सपोर्ट यानी जीवन रक्षक यानी जो कौशल है, कौशल केंद्र है वो कहाँ खोले जाएगी, तो आपातकालीन जीवन रक्षक कौशल केंद्र है वो खोले जाने की कहाँ घोषणा की गई है। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए जयपुर है, हाल ही में आपको बताया जयपुर के अंदर कल का जो हमारा करंट अफेयर का क्वेश्चन रहा था जयपुर से संबंधित कि यहाँ पे भामाशाह टेक्नो हब है वो बनाया जा रहा है भारत का सबसे बड़ा, तो ये भी आपको ध्यान रखना है भारत का सबसे बड़ा भामाशाह टेक्नो हब कहाँ खोला गया है, जयपुर का जो झालना क्षेत्र है वहाँ पर खोला गया है। जैसलमेर आपको पता है, जैसलमेर को सावन नगरी के नाम से भी जानते हैं। अलवर आपको पता है कि ये राजधानी क्षेत्र के अंदर भी शामिल है, ये भी ध्यान रखना है कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के अंदर कौन सा शामिल है, कौन से जिले शामिल है, अलवर और भरतपुर है वो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के अंदर शामिल है, ये भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। इसके अलावा देखिए अलवर है वो मत्स्य केंद्र के अंदर भी शामिल रहा है, तो देखिए मत्स्य केंद्र थे चार जिले शामिल किए गए थे उसके अंदर मत्स्य केंद्र के संघ के अंदर जो शुरुआत में एकीकरण हुआ था राजस्थान का। मत्स्य संघ में चार जिले कौन कौन से थे, ए बी सी डी, यानी ए से आपका अलवर बन जाएगा, बी से भरतपुर बन जाएगा, सी से आपका करौली बन जाएगा और डी से आपका धौलपुर बन जाएगा, तो ये जिले वो शामिल थे, ये भी थोड़ा सा आप ध्यान रख लीजिएगा। इसके बाद करें हम जोधपुर की, तो देखिए जोधपुर को नीला शहर के नाम से भी जानते हैं, और देखिए इस नीले शहर के अंदर ही क्या है यहाँ पे ये इमरजेंसी लाइफ सपोर्ट स्किल सेंटर है वो खोले जाने की घोषणा की गई है श्रीमती वसुंधरा राजे के द्वारा, तो ध्यान रखना है। और यहाँ पर मेहरानगढ़ दुर्ग भी है, ये भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए। चलिए दोस्तों आज जो कल हमने आपसे क्वेश्चन पूछा था, कल का जो प्रश्न था वो था भारतीय पेट्रोलियम अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है, तो देखिए भारतीय पेट्रोलियम अनुसंधान संस्थान है वो देहरादून के अंदर स्थित है। और इसका आंसर है आप में से बहुत जिन्होंने बताया था, कुछ का नाम मैं यहाँ पर बता रहा हूँ जो टॉप फाइव ने बताया था, कमेंट बहुत सभी ने किए थे, बहुत अच्छा लगा कमेंट करके आपके। देखिए राजेंद्र जी राठौड़ है, रहीसा खान है, माही राज है, प्रकाश प्रजापत है और रामपाल जी परमार है, आपके द्वारा इसके आंसर है वो बताने का प्रयास किया गया था और बहुत सही आंसर बताया था आप सभी ने। इसके अलावा देखिए विशाल जी है, बरकत अली जी शेख है, आपके द्वारा भी यहाँ पे कमेंट किए गए थे, तो आप सभी को दोस्तों धन्यवाद कि आपने कमेंट किया और आपने हमारा हौसला बढ़ाया और जारी रखा। जो आज का क्वेश्चन है वो है दोस्तों संघाई सहयोग संगठन में कितने देश सदस्य हैं, देखिए संघाई सहयोग संगठन है उसके कितने देश है वो सदस्य हैं, इसका आंसर आपको मुझे कमेंट में बताना है। और दोस्तों आपको ये कैसा लगा, और आज हमने एशियाई देश से कोई भी क्वेश्चन नहीं लिया शामिल, वो कल हम आज के और कल के हैं वो एक साथ ही शामिल आपको कल के लेसन है उसमें मिल जाएंगे दोस्तों। तो उम्मीद करूँगा ये सारे आपको अच्छे लगे होंगे, और दोस्तों अच्छे लगते हैं तो पिछले वीडियो की तरह इसके भी लाइक कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा ताकि हमें अच्छा लगे, और आपको किस प्रकार के क्वेश्चन है वो इसके अंदर जोड़नी चाहिए, कोई कमियाँ हैं तो वो आप बताएं ताकि उस कमी को हम यहाँ से क्या कर सके, रिमूव कर सके और आपके लिए बहुत बेस्ट वीडियो वो बनाकर ला सके। इसके अलावा देखिए दोस्तों हमारा टाइमिंग है वो मंगलवार से आपको 4:15 पे ही मिलेगा वीडियो, बाकी हमारा टाइम है वो टाइमिंग अलग था, पर आपको मंगलवार से 4:15 पे करंट अफेयर का वीडियो है वो मिलना शुरू हो जाएगा। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नए लेसन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।